हे व्हाट्सअप गाइस, मैं आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ, फेस स्मूथिंग वाली वीडियो लेके। तो गाइस, अगर आपको भी कुछ इस प्रकार का अगर फोटो एडिटिंग करना है, फोटो एडिटिंग सीखना है, तो इस वीडियो को यार पूरा एंड तक वॉच करो। आपको भी ऐसा बिल्कुल ऐसा ही यार फोटो एडिटिंग सीख पाएंगे। तो गाइस, इस वीडियो को आपको देखने के बाद आप खुद का अपना फोटो स्मूथ वाला वीडियो बना पाएंगे या फोटो एडिटिंग सीख पाएंगे। तो गाइस, अभी तक आप देख क्या रहे हैं वीडियो को, हमारे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम चलेंगे फोटो वाले ऑप्शन के अंदर, इस वाले फोटो के अंदर। तो गाइस, देख सकते हैं हमारा मॉडल कुछ इस प्रकार का है। गाइस, हमारे इसको ऑल पेंट फोटो एडिटिंग बनाएंगे। तो गाइस, यहाँ से जो शेयर वाला ऑप्शन है, इस पर यहाँ से शेयर करेंगे। इस स्केच बुक के अंदर गाइस फोटो हमारा ओपन हो रहा है। उस बाद गाइस, स्केच बुक एप्लीकेशन के अंदर हमारा फोटो आ चुका है। तो उसके बाद गाइस, आपको इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पर बहुत सारे हैं ब्रश, मगर आपको सिर्फ यही वाला ब्रश को यूज करना है। इस पर हम कर लेंगे डन। फिर गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी सेटिंग है गाइस, आपको भी सेटिंग कुछ इसी प्रकार का रखनी है। अगर आप इससे कुछ ज़्यादा आया कुछ कम रखेंगे तो आपका भाई फिर फोटो एक अच्छे से एडिट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से ऐसा होने के बाद गाइस, इस फोटो को हम जूम करके अपने फेस के ऊपर ऐसे ऐसे आराम से इसको ब्रश कर लेंगे गाइस। तो गाइस, जहाँ पर आपको लगे गाइस, वहाँ से आप साइज को भी छोटा या बड़ा रख सकते हैं। तो गाइस, हम इसको थोड़ा जल्दी में लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो गाइस, हमारा फेस अच्छे से स्मूथ हो चुका है। अब इस पर हम थोड़ा अपने बाल पे कटिंग मारेंगे गाइस, जो बटाउने पे है मारना है हमें। उसके लिए गाइस, आपको ये वाला ऑप्शन पे जाना है। इस पर आएंगे गाइस, ये वाला ब्रश का आपको ले लेना है, ये वाला ब्रश। फिर उसके बाद गाइस, यहाँ पे आपको सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आने के बाद गाइस, आपको ये जो सेटिंग है, जो साइज है, ये आप देख सकते हैं, आपको भी ऐसे रखना है। जो साइज है गाइस, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको इस पर ऐसा जूम कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, ये वाला ऑप्शन जाएंगे, इस पर जब क्लिक करेंगे गाइस, तो हमको ये वाला आ जाएंगे, दो पे स्टाइल पर आ जाएंगे। जब इस पर डालेंगे तो आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। देखिए गाइस, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो उसी प्रकार से हम इधर भी मार लेंगे गाइस। फिर उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पे हेयर पे भी अपनी मार लेंगे कुछ इस प्रकार।
स्मूथ हो चुका है। उसके बाद हम इस फोटो को सेव करेंगे गाइस। यहाँ पर सेव ऑल ऑप्शन है गाइस, इस पर हम आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव टू डिवाइस पर क्लिक। उसके बाद हम आ चुके हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, जो यहाँ पर आपको एड फोटो के अंदर आपको आ जाना है, जो हम अपन थोड़ा हेयर लगाएंगे। इसको हम अच्छे से जूम करके अपने हेयर को पूरा अच्छे से इसको जूम एडजस्ट कर देंगे गाइस, ताकि एकदम ये रियलिटिक लगे गाइस। देख सकते हैं है गाइस, तो मैंने देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हो गया। इसको हम यहाँ से कर लेंगे डन और फिर से गाइस यहाँ पे आ जाएंगे ड्रॉ टूल के अंदर, थर्ड डॉट आएंगे गाइस, यहाँ से फोटो को सेव कर लेंगे। आज गाइस हम आ जाएंगे टूल वेज एप्लीकेशन के अंदर, उसके बाद दोस्तों को इफेक्ट वाले ऑप्शन के अंदर आ जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे, बाद आपके सॉफ्ट लाइट का जो ऑप्शन है इस पर आएंगे। तो गाइस यहाँ पे जो मैं रखता हूँ सेटिंग वही है आप अपना, तो आप गाइस देख सकते हैं आपको ये वाला रखना है वी आई वाला। तो गाइस मैं इस पर रखा, फिर इस पर आ जाऊँगा गाइस मास्क और ऑप्शन में, उस पर आपको आ जाना है क्लीन पे, फिर गाइस आपको अप्लाई पे आ जाना है। उसके बाद आपको जूम करके अपने हेयर के ऊपर इसको अच्छे से ब्रश मार देना है गाइस। तो भाई इससे क्या होता है कि थोड़ा हमारे फोटो में है कम आ जाता है, ये होता गाइस और पर कुछ होता नहीं इससे, बाकी थोड़ा बहुत ऑसम लगता है इससे। जहाँ पर जो ज़्यादा अच्छे हो चुका है वहाँ से इसको हटा भी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से डन कर लेना है, फिर जो आपको यहाँ पर ऊपर के जो सेव वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ से इमेज को सेव कर लेना है। फिर इसको मतलब पूरा फुल कर लेना है, जो सेव का ऑप्शन है यहाँ से इसको हम सेव कर लेंगे। फिर उसके बाद गाइस आपको आ जाना है लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर, जो है यहाँ से हम कलर एडिटिंग करेंगे। उसके लिए गाइस हम गाइस जो यहाँ पर आपको ऊपर की ओर जो थ्री डॉट दिखाई दे रहा है गाइस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से गाइस कॉपी सेटिंग है, यहाँ से इसको गाइस हम आ चुके हैं अपने फोटो के अंदर, फिर से वापस फिर गाइस यहाँ पे जो आपको थ्री डॉट दिखाई रहा है फिर इसको क्लिक करेंगे। फिर गाइस जो यहाँ से आपको पेस्ट सेटिंग दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं बूम कि जो हमारा फ़ोटो हो वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। तो उसके बाद थोड़ा सा जब भी हमको कलर एडिटिंग थोड़ा और चाहिए, उसके बाद हम आ जाएंगे इस वाले ऑप्शन पे, कलर पे आ जाएंगे, फिर दोस्तों इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे जो यहाँ पे सेचुरेशन है गाइस जो माइनस है इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देख सकते हैं। तो गाइस ये इस तरह से मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है हमारा। उसके बाद गाइस आपको सिंपली ऐसा रख देना है, फिर गाइस यहाँ पे जो ऑरेंज वाला है इस पर आ जाएंगे, तो इसको भी थोड़ा सा मोर इंक्रीज कर लेंगे गाइस। फिर गाइस देख सकते हैं कि हमारा फोटो जो है जो बन चुका है, यहाँ से कर लेंगे। तो गाइस देख सकते हैं हमारा मतलब जो फोटो का बहुत ही ज़्यादा एचडी क्वालिटी में जो हमारा फोटो है वो बन के रेडी हो चुका है।
तो वैसे अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को पहली बार है हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, सबके लिए बाय बाय।